नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के उमरिया से, अनाज के लिए गरीब परेशान। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन करके कोरोना से लड़ने के लिए जनता से अपील कर जनता कर्फ्यू लगाया, जिसका फायदा भारत की जनता को मिला और आज हम कोरोना पर विजय पाने की स्थिति में है। वहीं भारत सरकार ने गरीबों व दिहाड़ी मजदूरों व गरीबों के लिए मुफ्त में अनाज देने का वादा किया, लेकिन यहां भी भ्रष्टाचार का कोरोना पनप गया और गरीबों का अनाज बड़े लोगों ने खाना प्रारंभ कर दिया। मामला उमरिया जिले के करकेली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम चांदपुर का, जहां पर राशन दुकान के ऊपर आरोप है कि कोटेदार इनको अनाज नहीं देता, राशन दुकान नहीं खुलती, दुकान में ताला लटका रहता है, लोग दुकान के बाहर भीड़ लगाकर घंटों इंतजार करके वापस चले जाते हैं और अगले दिन का इंतजार करते हैं। ऐसे करके कई दिन बीत जाते और राशन नहीं मिलता और लोग खाली झोला लेकर अपने घर को वापस चले जाते हैं। वहीं गांव के सरपंच का आरोप कि दुकानदार राशन तो नहीं देता, वहीं कलेक्टर और कमिश्नर को घूस देने के साथ धमकी देता है कि जो जिससे कुछ भी बने कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वहीं दुकान के बाहर ग्रामीणों की भारी गाड़ी जमा होने के साथ सरपंच ने जिले के अधिकारियों को जानकारी दी तो सरकार ने पूरा करते हुए खाद्य शाखा के एक अधिकारी को भेजा तो वह जांच करते हुए ग्रामीणों के बयान लेकर जांच का आश्वासन दिया और चले गया। जब से कोरोना वायरस को लेकर सरकारों ने गरीबी व ग्रामीणों के बारे में अटूट खाद्यान्न भोजन चालू किया तो भ्रष्टाचारियों के भेड़िए जाग गए और अपना पेट भरना शुरू किया। जिले के एक गांव की बस नहीं है, जिले के आंचल गांव में दुकान न खोलने की शिकायतों का तांता लगा हुआ और जिला प्रशासन अपना दामन बचाने में लगा है। पावर हंटर न्यूज के लिए उमरिया से दिवाकर चतुर्वेदी की रिपोर्ट। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।